हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, और आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूं अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस कि कैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, जिसमें आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है। चाहे तो आप ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते हैं। चेकबुक भी आपको मिलता है और वीडियो KYC की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें आप घर बैठे ही अपने अकाउंट की फुल KYC करा सकते हैं और अपने अकाउंट को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी लिमिटेशन के। आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये वीडियो जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ अकाउंट ओपनिंग का, इस प्रोसेस को चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी करें या फिर चाहे तो आप जो है PC से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से हो जाएगा। और वीडियो KYC की आपको फैसिलिटी मिलती है, बस जो है संडे नहीं होना चाहिए, छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक वीडियो KYC की फैसिलिटी मिलती है। तो कंप्लीट कर सकते हैं वीडियो KYC को और अपने अकाउंट को ओपन करके मौज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपने सिस्टम पर, आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे ये अकाउंट ओपन करना होता है। तो आइए सिस्टम पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे अकाउंट ओपन करना होता है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, जिस पे आपको क्लिक करना होगा, टैप करना होगा। तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे, जहां से आप अपना AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि इस अकाउंट में आपको क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं और भी जो चार्जेस वगैरह हैं उनके बारे में भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो आइए जानते हैं कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होता है। उसके बाद आपको यहीं पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल पे आपको क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है। तो आइए फटाफट से ये डिटेल्स हम एंटर करते हैं, मतलब डिटेल ही है, सिर्फ मोबाइल नंबर। तो ये हम एंटर कर लेते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमने मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, उसके बाद वेरीफाई मोबाइल पर हमें क्लिक कर लेना होता है और हमारे मोबाइल नंबर पे जो हमने यहाँ पे एंटर किया था उस पर आता है OTP, जो OTP हमें यहाँ पे एंटर करना होता है। तो हमने OTP एंटर कर लिया, OTP एंटर करने के बाद हमें वेरीफाई पर क्लिक कर लेना होता है। तो हमारा OTP वेरीफाई हो गया है और OTP वेरीफाई होने के बाद हमें एंटर करना होता है अपना पैन कार्ड नंबर, मतलब हमारे जो पैन कार्ड पे नंबर है वो एंटर करना होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एंटर पैन, वही पर्सनल अकाउंट नंबर, तो ये हम एंटर कर लेना होता है। और उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करना होता है, इस पर क्लिक करके, और यहाँ पे हमें चेक मार्क लगा लेना होता है इस तरह से, और प्रोसीड पर क्लिक कर देना होता है। तो आइए फटाफट से ये सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे पैन एंटर कर दिया और ये वेरीफाई भी हो गया है। उसके बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक कर लेना होता है, टाइप कर लेना होता है। आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि ये काम चाहे तो आप PC से ही कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमें एंटर करना होता है अपना आधार नंबर, तो ये आधार भी हमें वेरीफाई कराना होता है। तो यहाँ पे चलिए हम अपना आधार ID एंटर कर लेते हैं, चाहे तो हम अपना वर्चुअल ID भी एंटर कर सकते हैं, जो टेम्परेरी वर्चुअल ID क्रिएट करके हम एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें जो है आई ऑथोराइज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक टू फेच माई डिटेल्स फ्रॉम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इस पर हमें इस तरह से चेक मार्क लगा लेना होता है और यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर एंटर करना होता है और उसके बाद गेट OTP पे हमें क्लिक कर देना होता है। तो आइए फटाफट से ये सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना आधार ID एंटर कर लिया, उसके बाद गेट OTP पे हमें क्लिक कर देना होता है और हमारे आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता है, जो कि हमें यहाँ पे एंटर करना होता है और ये 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। तो फटाफट से हम इसको एंटर कर लेते हैं। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें कंफर्म पर क्लिक कर देना होता है इस तरह से, और हमारा जो OTP होता है ये वेरीफाई हो जाता है, मतलब हमारा जो आधार होता है ये वेरीफाई हो जाता है। अब इसके बाद हम अब जो है अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस चालू करते हैं और बताते हैं कि कैसे हमें अपना अकाउंट ओपन करना होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वी होप यू हैव दीज डॉक्यूमेंट्स रेडी, जैसे कि ओरिजिनल पैन कार्ड हमारे पास होना चाहिए, एक ब्लैंक पेज होना चाहिए सिग्नेचर के लिए। तो यहाँ पे बताया गया कि क्लिक हेयर टू कंप्लीट द एप्लीकेशन बाय योरसेल्फ, क्लिक हेयर टू डू ए वीडियो कॉल नाउ, क्लिक हेयर टू शेड्यूल ए वीडियो कॉल फॉर लेटर। तो चाहे तो हम यहाँ से अपना एप्लीकेशन खुद से कंप्लीट कर सकते हैं या फिर जो है वीडियो कॉल के ज़रिए से अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करा सकते हैं या फिर शेड्यूल कर सकते हैं। तो इनमें से जो हम चाहे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर हम क्लिक हेयर टू कंप्लीट एप्लीकेशन बाय योरसेल्फ करते हैं तो हमें ये लेकर जाएगा एक नए पेज पर, जहाँ से हमें अपनी सारी डिटेल्स जो फिल नहीं होती हैं वो सारी डिटेल्स हमें फिल करनी होती हैं।
तो आप चाहें तो वीडियो कॉल के ज़रिए से, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो कॉल के ज़रिए से कंप्लीट करा सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन भी मिलता है वीडियो कॉल का, तो ये जो है हम करा सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। बैंकर विल असिस्ट यू, हेल्प करेगा बैंकर, और आप अपनी डिटेल्स वगैरह कंप्लीट करा सकते हैं, वीडियो के वाईसी को भी कंप्लीट करा सकते हैं। बट अगर आपको खुद से करना है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो खुद से करने के लिए मैंने जैसे कि बताया, जैसे क्लिक किया है कि हम खुद से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना ईमेल आईडी इंटर करना होता है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पे हमें चूज़ करना होता है, मदर नेम इंटर करना होता है, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर इंटर करना होता है, और उसके नीचे हमारा परमानेंट एड्रेस दिया गया होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परमानेंट एड्रेस और हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस एक ही हो, तो हम जो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं सेम एज माई परमानेंट एड्रेस, और अगर कोई दूसरा एड्रेस हम देना चाहें तो हम अदर एड्रेस पर क्लिक करके टाइप करके दूसरा एड्रेस भी दे सकते हैं, ऑफिस एड्रेस भी यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद जो है नॉमिनी एड करने का ऑप्शन मिलता है, चाहे तो हम जो यस करके नॉमिनी एड कर सकते हैं, या फिर आई विल डू इट लेटर करके बाद में भी अपना नॉमिनी एड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना होता है, एक तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, बस इस पर आपको चेक मार्क लगाना, तो टिक मार्क लगाना होता है। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट पे टैप करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और आगे का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है। तो आइए फटाफट से सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने अपनी सारी डिटेल्स इंटर कर ली है, डिटेल्स इंटर कर लेने के बाद हमें नेक्स्ट पे टाइप कर देना होता है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होता है इस तरह से, और थोड़ा सा हमें वेट करना होता है। अब इसके बाद हमें अपनी इनकम की डिटेल्स इंटर करनी होती है, जैसे कि ऑक्यूपेशन टाइप, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, हम सैलरीड हैं, प्राइवेट मतलब कि हम कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, तो इसमें प्रोफेशनल सारे आते हैं। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड, तो अगर आप खुद का कोई काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए। पेंशनर हैं तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन है। उसके अलावा सैलरीड गवर्नमेंट, अगर आप कोई जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो ऐसे में आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा, या फिर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए है। तो ज़्यादातर लोग जो मेरे ख्याल से अनएम्प्लॉयड ही हैं। उसके अलावा स्टूडेंट का भी आपको ऑप्शन मिलता है, उसके बाद पॉलिटिशियन का भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो जो भी आप कर रहे हैं इसमें से वो आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा, और उसके बाद आपको जो है आगे का प्रोसेस फॉलो करना होगा। और इसके बाद आता है FATCA CRS डिक्लेरेशन, FATCA CRS डिक्लेरेशन, इसको याद रखिएगा। तो ये क्या होता है, आर यू ए टैक्स रेसिडेंट इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, मतलब इंडिया के अलावा आप किसी दूसरे देश में जो है टैक्स पे कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो यस कर दीजिएगा और उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सीधे सीधे आपको नो वाला ऑप्शन चूज़ करिए, ये वाला नो वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो बहरहाल ये हमें सारी डिटेल्स इस तरह से फिल करनी होती हैं, उसके बाद हमें नेक्स्ट पे टैप कर देना होता है, क्लिक कर देना होता है। अब इसके बाद बारी आती है हमें अकाउंट चूज़ करने की, कि हमें कौन सा अकाउंट चूज़ करना है। जैसे कि AU अभी सेविंग्स अकाउंट है, तो ये मिनिमम KYC से ओपन होता है। और इसके अलावा AU डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है, AU सेविंग्स अकाउंट वैल्यू, इसमें हमें बैलेंस मेंटेन करना होता है, तो इस तरह से हम चूज़ कर सकते हैं। AU प्लेटिनम सेविंग्स अकाउंट है, तो AU डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे रखी है, ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है, तो ये आप ओपन कर सकते हैं। इसमें बताया गया इसके बेनिफिट्स कि आपको जो इंटरेस्ट रेट 7% तक मिलता है, और आपको जो है रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है। हालांकि इसके लिए चार्ज होता है, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है कितना चार्ज होता है, क्या चार्ज होता है। कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है आपको डेबिट कार्ड पे, कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है, इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर मिलता है, फ्री अनलिमिटेड डिजिटल पेमेंट्स, और आपको फ्री अनलिमिटेड डिजिटल पेमेंट्स मिलते हैं जो मोबाइल बैंकिंग से और जो नेट बैंकिंग से होते हैं। यहाँ पे बताया गया AU 0101 ये इनका मोबाइल बैंकिंग ऐप है, और जो है आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो enjoy extended banking hours for all your last minute banking needs। तो इन सब के बारे में मैंने जानकारी दे रखी है। एवरेज मंथली बैलेंस क्या है, रिक्वायरमेंट जीरो, कुछ भी नहीं आपको बैलेंस मेंटेन करना है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इस अकाउंट में मिलते हैं। और देखिए यहाँ पे बताया गया यू स्मॉल फाइनेंस बैंक सेविंग्स अकाउंट, तो इसमें डेबिट कार्ड आप चाहे तो ले सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से इसको जो है हटा सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। चेकबुक चाहिए आपको या फिर नहीं चाहिए तो यस नो कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं है, यस चाहिए तो चाहिए। तो इस तरह से हमें जो है यस नो का ऑप्शन मिलता है, हम चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे सबसे नज़दीक में कोई ब्रांच है यू स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर नहीं। फाइंड अस नियर यू, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस किस सिटी में है, आपके स्टेट के किस किस सिटी में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं।
तो मैंने ब्रांच भी सेलेक्ट कर लिया। और आपको इसी तरह से ब्रांच सेलेक्ट करना होता है, आपको पूरा एड्रेस दिया जाता है ब्रांच का, उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पे टैप करना होता है। जो भी सिटी आप चूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि जो सिटी में जितनी ब्रांचेज होती हैं वो बता देता है, तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन से आपको ब्रांच में ओपन करना है। और इसके बाद बारी आती है प्लीज़ फंड योर अकाउंट टू अर्न अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स विद मंथली पे आउट्स। तो अगर हम चाहें तो अपने अकाउंट में जो है फंड ऐड कर सकते हैं, मतलब कि पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं अकाउंट ओपन करने के ही टाइम। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम इंटर कर सकते हैं 0 से लेकर के 1 लाख रुपए तक। तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए के अंदर अंदर जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बहरहाल अगर आपको डिपॉजिट नहीं करना हो तो ये 0 ही इसको छोड़ दीजिएगा, और डिपॉजिट करना हो तो वो आपको अमाउंट इंटर कर लेना होगा, और उसके बाद जिस अकाउंट से आपको डिपॉजिट करना हो उसकी डिटेल्स आपको देनी होती है, मतलब कि आपको जो है ऐड करना होता है पैसा, तो उसके लिए जो मेथड्स होते हैं वो चूज़ करने होते हैं। तो बहरहाल इसके बाद हमें नेक्स्ट पे टैप कर देना होता है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना होता है और थोड़ा सा वेट करना होता है। अब इसके बाद आपने जो भी डिटेल्स फिल करी वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे दिखाए जाएंगे कि आप जो है चेक कर सकें। अगर आप जो है कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई जाती हैं। बहरहाल यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये अगर आप चूज़ करते हैं तो जो DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो सरकार की तरफ से, चाहे किसी तरह की सब्सिडी वगैरह हो या फिर किसी तरह का आपको पैसा मिलता हो, जैसे अलग अलग जो है स्कीम्स आती हैं, बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, तो वो डायरेक्टली जो है बेनिफिशरी के अकाउंट में ही आजकल भेजे जाते हैं। तो अगर आप जो है जो वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलते हैं वो लेना चाहते हैं, तो आपको पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा अगर आप जो इस अकाउंट में लेना चाहते हैं। तो और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप किसी दूसरे अकाउंट में ऑलरेडी ले रहे हैं, तो आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। उसके बाद आई हैव रीड एंड एग्री टू द शेड्यूल ऑफ चार्जेस रिलेटेड टू माई सेविंग्स अकाउंट, इस पर आपको इस तरह से चेक मार्क लगा लेना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है यू विल नॉट बी एबल टू एडिट योर एप्लीकेशन आफ्टर कंफर्मिंग इट, इफ़ यू विश टू मेक एनी चेंजेस प्लीज़ क्लिक वंस एंड देन क्लिक ऑन द बैक बटन टू एडिट योर एप्लीकेशन। तो मतलब बताया जा रहा है अगर आपने एक बार कंफर्म कर दिया तो दोबारा आप इसको जो एडिट नहीं कर सकते, तो पहले ही आप चेक कर लीजिए, कुछ एडिट वगैरह करना हो तो अभी आप कर लीजिए। तो कंफर्म आपको कर देना अगर आपको कुछ एडिट नहीं करना है, सबको सही लग रहा है तो, और नहीं तो आप एक रीचेक कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक वगैरह हो तो उसको आप सही कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें वीडियो के KYC कंप्लीट करना होता है, तो यहाँ पे दिया गया है क्लिक हियर टू कंप्लीट योर KYC। तो वीडियो KYC चाहे तो हम अभी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो इसको शेड्यूल कर सकते हैं, मतलब कि किसी दूसरे दिन। तो जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज तो संडे है तो इसलिए मैं शेड्यूल करूँगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कैसे शेड्यूल करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है, तो मैं 31 का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे स्लॉट चूज़ करना होता है, तो यहाँ पे मैं स्लॉट भी चूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने स्लॉट चूज़ कर लिया 12 से 1 के बीच में। और हमारे पास क्या क्या होना चाहिए वीडियो KYC कंप्लीट करने के लिए, ओरिजिनल पैन कार्ड और एक जो है ब्लैंक पेपर होना चाहिए जिस पर हम साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देना होता है, और जो हमारा वीडियो KYC है ये शेड्यूल कर दिया गया, और हमें SMS भी मिल जाएगा इसका। तो हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो गया, और यहाँ पे बताया गया थैंक यू। अब बस हमें ओके पे क्लिक कर देना है, और बस हमारा अकाउंट ओपनिंग का जो काम था ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें सिर्फ वीडियो KYC को कंप्लीट करना है, और जैसे हम वीडियो KYC को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा, और हमें अकाउंट नंबर वगैरह मिल जाएगा, सारी डिटेल्स अकाउंट की मिल जाएंगी। तो बस अब हमें वीडियो KYC को कंप्लीट करना है। तो बहरहाल आज संडे था, अदरवाइज़ वीडियो KYC को कैसे कंप्लीट करना है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता। तो अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिए, फटाफट से अकाउंट ओपन करिए। मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है, इसके फीचर्स और बेनिफिट्स बता रखे हैं, मैंने जो सारे चार्जेस वगैरह बता रखे हैं, जो इनके ज़रूरी चार्जेस और सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो ज़रूर से वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 0 बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें कि आप किसी भी तरह का कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, 0 बैलेंस अकाउंट है। और आपको इसमें डेबिट कार्ड भी अच्छा मिलता है, जो कि रुपए प्लेटिनम कैटेगरी का डेबिट कार्ड होता है। वैसे आपकी मर्जी होती है कि चाहे आप लें या फिर ना लें। और मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट में पूछने के बजाय इस अकाउंट के बारे में कि इसका ये चार्ज कितना है, वो चार्ज कितना है, इसमें ये मिलता है नहीं मिलता, वो मिलता है या नहीं मिलता, UPI यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा
कि मैंने जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में वीडियो बनाया है वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को इस अकाउंट के सभी फीचर्स और बेनिफिट्स बताए हैं, इस अकाउंट को कैसे ओपन करना है इस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में मैंने वो वीडियो में बताया है, जिसमें इसके फीचर्स और बेनिफिट्स बताएं, इसके सारे ज़रूरी चार्जेस आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोगों को उस वीडियो से सभी ज़रूरी जानकारी मिल जाएंगी और इस वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी कि इस अकाउंट को कैसे ओपन करना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।